नमस्कार, टेक्कीपॉइंट में आपका स्वागत है। और टेक्निक शुरू करने से पहले रोजाना की तरह मैं बताता हूँ कि हमारा गिवअवे की कॉन्टेस्ट चल रहा है। नवंबर 12 तक चलेगा ये, और अभी तक आपने हिस्सा नहीं लिया है तो जल्दी जाके ले जाइए। गिवअवे का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पर क्लिक करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा डेली टेक न्यूज। तो सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो सैमसंग की तरफ से है, सैमसंग का गैलेक्सी S8। उसके बारे में कुछ रूमर आ गया कि ऐसा बताया जा रहा है कि S8 में आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा जो कि आपको क्वालकॉम की तरफ से आता है। जैसे कि MI 5S जो लॉन्च हुआ था इस महीने वहाँ पर मिला था, वैसा आने वाला है। और कुछ रूमर आने की 6 GB का रैम हो सकता है उसमें, 4K डिस्प्ले में आएगा वो, और एस तो रहेंगे ही रहेंगे। और उसका जो सैमसंग का जो खुद का एग्जिनोस चिपसेट है उसका टॉप वेरिएंट जो आने वाला है उसी के ऊपर ये आने वाला है। अगली खबर की बात करते हैं तो अगली खबर मेजू की तरफ से है, और ऐसा बताया जा रहा है कि मेजू का M5 1066 अंदर स्पॉटेड हो गया है और उसका कुछ स्पेस भी पता चल गया है। और क्या कुछ मिलता है उसके बारे में रिमर जो आया है उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले 5.2 इंच का स्क्रीन मिलेगा उसमें आपको। और क्या कुछ पता चला है तो रैम में यहाँ पे आपको 3 वेरियंट मिल जाएगा, 2 GB 16 GB, 3 GB 32 GB और 6 GB 64 GB। तो ऐसा आने वाला, 4 GB बीच में नहीं है शायद से, और 2, 3 और 6 का वेरियंट में आने वाला है ये वाला। और ये शायद से जो मीजू का MX6 Pro आने लॉन्च होने वाला है, नवंबर 3 को लॉन्च होने वाला है, उससे पहले ये शायद से उस दिन या फिर उससे पहले अक्टूबर 31 को एक लॉन्च इवेंट है मीजू का, उसमें ये लॉन्च हो सकता है। अगली खबर की बात करते हो तो अगली खबर मोटोला की तरफ से आ रहा है। मोटोला का Moto M या फिर आप मेगा भी कह सकते हैं शायद से, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्प्ले है उसका जो आने वाला है शायद से, रूमर है। तो मोटोला का Moto M के बारे में है, उसका कुछ फोटो लीक होकर आया गया है, आप ऊपर में देख सकते हैं। मेटल बॉडी में ये आने वाला है ऐसा कुछ दिख फोटो में पता चल रहा है, और फिंगरप्रिंट पीछे की तरफ मिलेगा, और दूसरे जो मोबाइल है उसी की तरह पीछे पीछे मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा इस बार। और स्पेसमैन में कुछ पता चला है, और उसका जो मॉडल नेम है XT1662 उसका मॉडल नंबर है ऐसा कुछ बताया गया है। और रैम की बात करते 4 GB की रैम में ये आएगा, और स्क्रीन साइज जो बात करते 5.5 इंच इसमें आपको स्क्रीन मिलेगा। अभी तो बात करते MT665 MediaTek का प्रोसेसर लगा होगा ऐसा बताया जा रहा है। तो जब से लिनोवो मोटोरोला को ले गया है तो अब तो MediaTek ही दिखने मिलेगा और क्वालकॉम नहीं मिलेगा इसमें। तो ये सब थी रूमर बातें मोटोरोला के Moto M के बारे में। अगली खबर की बात करते हो अगली खबर वीडियोकॉन की तरफ से आ रहा है। वीडियोकॉन ने आज Ultra 15 नाम से एक फ़ोन लॉन्च कर दिया है, और क्या कुछ मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। ज़्यादा कुछ खास नहीं है तथा लेकिन ठीक ठाक है, बात करते हैं उसके बारे में। तो 5 इंच के 720p वाला डिस्प्ले मिल रहा है, और Asahi Dragontail के प्रोटेक्शन के साथ आ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है, डिस्प्ले प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको, तो 720p वाला डिस्प्ले है। अब बात करते हैं प्रोसेसर का, तो 1.3 GHz का MediaTek का प्रोसेसर मिल रहा है, ऊपर से उनका Mali-T720 का GPU लगा होगा उसमें आपको। रैम रोम की बात करते हैं 3 GB की रैम के साथ आएगा, 32 GB का स्टोरेज मिलेगा इसमें आप। एंड्रॉइड मार्शमेलो के ऊपर आएगा, डुअल सिम फैसिलिटी है इसमें आपको। और कैमरे की बात करते हैं 13 MP का रियर कैमरा, 5 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा। VoLTE का सपोर्ट के साथ ये आ रहा है, और फिंगरप्रिंट यहाँ पे लेकिन आपको नहीं मिलेगा। अब बैटरी की बात करते हैं, बैटरी जो है इसमें आपको मिलेगा 3000 mAh का बैटरी मिलेगा। अब कलर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 कलर मिलेगा, स्पेस ग्रे और गोल्डन कलर में मिलेगा। और कीमत जो है इसका 9000 रुपीज़ इसका कीमत है, और ये मिलेगा नवंबर 1 वीक से मिलना शुरू हो जाएगा। और वीडियोकॉन ने इसके ऊपर बहुत सारे ऑफर भी दे रहे हैं, जैसे कि 18 मंथ्स का वारंटी मिलेगा इस फ़ोन के ऊपर। और क्या ऑफर दे रहे हैं, और एक ऑफर दे रहे हैं कि 15 दिन में आपको 15 डेज का रिप्लेसमेंट वारंटी का भी ऑफर दे रहे हैं यहाँ पर आपको। अगली खबर की बात करते तो अगली खबर आ रहा है फेसबुक के बारे में, और फेसबुक अभी ऐसा पता चल रहा है कि फेसबुक काम कर रहा है किसके ऊपर, जो लाइव वीडियो है उसका चल रहा है। आप देखते हैं फेसबुक में लाइव वीडियो का ऑप्शन आता है तो उसमें आपको प्रिज्मा का स्टाइल का इफेक्ट देना, मतलब प्रिज्मा के स्टाइल का इफेक्ट जैसे आएगा उसके ऊपर वो काम कर रहा है। तो पेंटिंग स्टाइल वीडियो एडिटिंग में उसमें उसका काम कर रहा है कि आप लाइव वीडियो में उसी तरह का प्रिज्मा की तरह इफेक्ट पा सकेंगे। अगली खबर की बात करते तो हाइक की तरफ से है, जैसे कि कल वीडियो व्हाट्सएप ने लॉन्च कर दिया था कि व्हाट्सएप में आ गया था ऑफिशियली कि वीडियो कॉल हो सकता है व्हाट्सएप मैसेंजर के अंदर। तो आज ये पता चल गया कि हाइक ने भी लॉन्च कर अनाउंस कर दिया है कि हाइक मैसेंजर के अंदर भी आप वीडियो कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। अगली खबर की बात करते तो अगली खबर TCL की तरफ से आ रहा है। TCL ने इंडिया के अंदर 65 इंच का एक स्मार्ट TV LED TV लॉन्च कर दिया है। तो क्या कुछ मिलता है उसके बारे में बात करते हैं, तो पहले 65 इंच का स्क्रीन मिलेगा, 4K वाला स्क्रीन है यहाँ पे आपको, और स्मार्ट टीवी है तो एंड्रॉइड मिलेगा। और प्रोसेसर की बात करते हैं तो 1.5 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर यहाँ पे इसमें लगा हुआ है,
2 GB के रैम के साथ आएगा और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा इसमें आपको। वाईफाई मिलेगा, ब्लूटूथ मिलेगा और 2 USB पोर्ट मिलेगा और 2 HDMI पोर्ट भी इसमें आपको मिलेगा। अब कीमत की बात करते हैं, इसका जो कीमत है 80,000 इसका कीमत है और ये अवेलेबल हो जाएगा आपको अमेजन के ऊपर, ये अवेलेबल हो जाएगा। तो बस आज के टेक्नो में इतना ही, अगर अच्छा लगा है तो बड़ा सा लाइक दीजिए और इसी तरह टेक्नो रोजाना देखना है जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अगर आप अभी तक गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा गिवअवे का, जाके जरूर से पार्टिसिपेट कीजिए। तो बस मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।